Well, I was a rich man. A man rich in love. Moni ka saath, uska pyar meri life ko behad enriching banata hai. And that's why we cherish each other's company so much. Chahe hum yahan ki fast-paced life enjoy kar rahe ho, ya phir Monaco ki sabse khoobsurat exotic garden mein ek pyara sa stroll le rahe ho. We just like being with each other. Monaco has tremendous scenic beauty. My first look in the exotic garden aur main to wow kehti reh gayi. This garden actually hangs over a cliff overlooking the Mediterranean. यहाँ पर US, Africa, Mexico, Arabic Peninsula इन सभी जगहों से plants लाए गए हैं। गौरव, तुम ये सोच रही हो कि तो बम्बई वापस जाकर इन सब जगह के different different plants खरीदोगी और इन different different plants के pots मुझे उठाने पड़ेंगे। Yeah, absolutely. इस beautiful garden की शुरुआत 1933 में हुई। बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं जो 1895 के टाइम को बिलोंग करते हैं. दिस प्लेस हैज अराउंड 7000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड इज अ पैराडाइज फॉर ऑल द प्रिकल लवर्स. मोनाको इज ब्यूटी पर्सोनिफाइड. जहां तक नजर जाए सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती बिखरी पड़ी है, चाहे वो नेचर की ब्यूटी हो या फिर यहाँ के आर्किटेक्चर की, विच इंक्लूड्स द मोनाको कैथीड्रल. The Monaco Cathedral, a Romanesque Byzantine church built in the 19th century. इस कैथीड्रल के कंपाउंड में यहाँ के सारे प्रिंसेस और प्रिंसेसेस को बैरी किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंसेस ग्रेस केली एंड प्रिंस रेनियर द थर्ड, हु इज ऑल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न मोनाको. The Monaco Cathedral was built on the site of the first parish church in Monaco and is dedicated to Saint Nicholas. Is cathedral ki paintings 16th century ko belong karte hain and the wooden altar here dates back to the Spanish Renaissance. Apne hamsafar ke sath kuch der waqt bitane ke baad hum apne hotel laut aaye and we quickly freshened up for a wonderful lunch in the oldest Japanese restaurant in Europe called Yoshi. मोंटे कार्लो का सबसे ओल्डेस्ट, सबसे क्लासिक होटल द मेट्रोपोल, उसका जापानीज रेस्टोरेंट कॉल्ड योशी. योशी का मतलब जेनरस, एंड जेनरस आई मस्ट से, जेनरस इन सर्विंग एंड जेनरस इन टेस्ट. इट इज आल्सो अ वेल नोन फैक्ट दैट जापानीज फूड इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट क्विजिन्स इन द वर्ल्ड, सो यू कैन ईट एज मच एंड स्टे फिट. मोंटे कार्लो इज अ ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर एवरी टूरिस्ट, और इसीलिए हम जहां भी जाते हैं हर तरफ पिक्चर्स क्लिक करते हुए लोग नजर आते हैं. वी हार्डली फाउंड एनीवन विदाउट अ कैमरा, व्हिच एक्चुअली लेड अस टू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. हमें पता चला कि मोनाको में सिर्फ 3000 परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, व्हिच मींस दैट ऑल द फोटोग्राफर्स यू गेट टू सी आर ऑल टूरिस्ट. इस पैपराजी से बचकर हम पहुंचे ओशनियोग्राफिक म्यूजियम लोकेटेड ऑन द रॉक ऑफ मोनाको.
ओशनोग्राफिक म्यूजियम ऑफ मोनाको। ये म्यूजियम इस साल अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है। इट वॉज फाउंडेड बाई प्रिंस एल्बर्ट द फर्स्ट एग्जैक्टली 100 ईयर्स अगो। प्रिंस एल्बर्ट द फर्स्ट एक साइंटिस्ट थे और ओशनोग्राफी में उनका स्पेशल इंटरेस्ट था। ये कितना सुंदर है, आपको किस दुनिया में लेकर जाता है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। समटाइम्स यू डोंट नीड टू से एनीथिंग, द पिक्चर शुड टॉक। इस म्यूजियम में करीब 4000 स्पीशीज ऑफ फिश और 200 तरह के इनवर्टिब्रेट्स देखने को मिलते हैं। छोटे बड़े साइजेस और कलरफुल फिशेस के साथ हमने यहाँ के डाइवर्स कॉरल रीफ्स भी देखे। दिस म्यूजियम इज वर्ल्ड रेनाउंड क्योंकि ये पहला मॉडर्न साइंटिफिक एक्वेरियम है जहाँ पर कंप्लीट इकोसिस्टम को रिक्रिएट किया गया है। एंड नाउ दैट वी हैड कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द मेजर अट्रैक्शंस ऑफ मोनाको, इट वाज टाइम टू ट्रांसफर टू आवर न्यू होटल, होटल फेमो। मगर उससे पहले वी वेंट फॉर सम शॉपिंग। मोनाको इज अ शॉपर्स पैराडाइज, और क्यों ना हो, आफ्टर ऑल दिस प्लेस इज कॉल्ड द इंटरनेशनल कैपिटल फॉर द वर्ल्ड ऑफ लग्जरी। एक से बढ़कर एक डिजाइनर ब्रांड्स यहाँ पर अवेलेबल है। वैसे आई एम क्वाइट ब्रांड कॉन्शियस माई सेल्फ, लेकिन इस बार वी ट्राइड समथिंग डिफरेंट। अपने दोस्तों के लिए ढेर सारे सुबनेस और गिफ्ट्स लेकर वी मूव्ड ऑन टू आवर न्यू अबॉर्ड होटल फेमोंट। मेट्रोपोल जैसे जिसके बारे में मैंने पहले कहा, वो एक पैलेस था। वहाँ पर रहते हुए आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि आप कोई राजा हैं या कोई ड्यूक हैं किसी 18th-17th सेंचुरी के। और वहाँ से निकल कर जब हम फेमोंट में आए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट था। मुझे ये भी मालूम है कि 2 महीने पहले यहाँ लियोनार्डो डी कैप्रियो ठहरे थे, और उससे आई थिंक फ्यू इयर्स बैक माइकल जैक्सन यूज्ड टू विजिट दिस प्लेस एंड स्टे राइट इन दिस रूम। एंड नाउ वी आर स्टेइंग हियर। यस, वाओ, दैट पार्ट ऑफ द माउंटेन इज मोंटे कार्लो, दैट वन इज फ्रांस, and that one is Italy. Mind blowing. Fairmont is an island in itself, और यहाँ से मोंटे कार्लो का व्यू बेहद खूबसूरत है, लेकिन इसे और भी अमेजिंग और मैजिकल बनाता है गौरव का साथ, which is why I was actually living the life I had dreamt until now. And then, my most favorite part of the hotel, the spa.
थिंक अगर किसी को फॉर्मूला वन रेस दिखने का शौक हो तो इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। द फेयरमोंट होटल एंड मोंटे कार्लो, दिस इज द प्लेस टू बी। होटल में हर जगह से आपको ट्रैक दिखता है, आपको वहाँ पर सीट लेने की जरूरत नहीं है। यू फील द वाइब राइट हियर व्हाइल यू आर इन द होटल। आज जब मैं फुट मसाज करा रही थी तो मुझे भी विंडो में से रेस ट्रैक दिख रहे थे। आज जब मैं जिम कर रहा था ना तो मेरे जिम से ना खिड़की से ना F1 का ट्रैक दिख रहा। दैट इज व्हाई दिस होटल इज सो स्पेशल। मैंने सुना है जब गाड़ियां नीचे से निकलती हैं तो उनकी वाइब्रेशन आपको पूरे होटल में महसूस होती है। व्हाट अ फीलिंग, व्हाट अ साउंड, व्हाट एन एक्सपीरियंस, आई कांट वेट फॉर इट। मोंटे कार्लो इज अ ड्रीम कम ट्रू। हमने कुछ ही दिनों में इस जगह को उसके हर मूड में एक्सपीरियंस किया था। बट द बेस्ट थिंग व्हिच स्टेड विद अस वाज द रोमांस ऑफ द प्लेस। लाइक आई सेड बिफोर, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। दिस एन्चेंटिंग प्लेस हैज लेफ्ट अस कंप्लीटली मेस्मराइज्ड। इतना एनरिचिंग और सैटिस्फाइंग रहा मोंटे कार्लो का ये सफर कि जाते जाते हमारे दिलों में ये एक एवरलास्टिंग इंप्रेशन छोड़ गया। आई एम श्योर दैट द ट्रेजर चेस्ट फुल ऑफ मोमेंट्स स्पेंट हियर विल कीप द ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ दिस पैराडाइज अलाइव इन आवर हार्ट्स। Subscribe to my YouTube channel, Travel with Dipti Bhatnagar, and follow me on Twitter and Facebook.